मौजूद नहीं रहे। क्या यशपाल राणा जहाँ मौजूद होंगे वहाँ आप नहीं मौजूद होंगे? क्या है सर, अगर टिकट उसे मिलेगा और जीतेगा वो जिसकी दुकान में सौदा होगा। इसके आता है उसकी वाह होती है, चाहे वो एक वोट से जीते चाहे एक लाख वोट से जीते। तो यशपाल राणा जी इसको सही ढंग से बता सकते हैं उन्होंने किस उस पर कहा, या खोल के बताएं कि उन्होंने इस प्रपोक्ष में। श्री लक्ष्मी नारायण खाटू श्याम मंदिर जी में मौजूद हूँ, सचिन गुप्ता जी और यहाँ के जो समिति के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, आज क्या हुआ है जो ये उद्घाटन किया गया, ये हॉल आपने बनवाया है उसको लेकर? देखिए, आज का जो यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, भंडारा चल रहा है, वो श्री अरविंद कुमार जी जो हमारे अनाज मंडी से हैं उनके सौजन्य से है। ये बहुत बड़ा हॉल जो है निर्मित किया है उन्होंने अपने परिवार के साथ, और आज इसका जो है शिलान्यास हुआ है। मैं मंदिर समिति के जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, अध्यक्षगण हैं हमारे, और अरविंद भाई का परिवार है, अरविंद भाई ने बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि शहर के अंदर ऐसे नए कार्य करने का कार्य जो इन्होंने किया उसके लिए वाकई बधाई के पात्र हैं। और देखिए, बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद है, सारा उन्हीं का प्रताप है, ये उनके ही सौजन्य से और उनके ही स्वरूप के रूप में रहते हुए ये वाला कार्य जो है यहाँ पे किया गया है। लगातार आप सामाजिक कार्यों में हिस्सेदारी कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, कैंप चल रहे हैं आपके सर, उनको लेकर क्या कहेंगे, अगला कैंप कहाँ पर होगा, क्योंकि कैंप तो और लोग भी लगा रहे हैं, तो इन चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मेडिकल कैंप जितने रुड़की शहर में लगे उतने कम है, और जितने लोग लगाएं उतने कम है। ये सब लोग बधाई के पात्र हैं जो लोग मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, फ्री मेडिकल चेकअप जो है लोगों को दे रहे हैं शहर के, और उससे जो है लोग अपना स्वास्थ्य सुधारने में कार्यरत हैं, तो ये सब बधाई के पात्र हैं वो सब लोग। मैं उन्हें बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले समय के लिए भी कि वो लोग और ऐसे ऐसे मेडिकल कैंप लगाएं। अब हमारा जो अगला मेडिकल कैंप लगेगा वो दिवाली के तुरंत बाद लगेगा, जो हमारे अजय भाई हैं हमारे साथ यहीं पे हैं, इन्हीं के उसमें लगेगा, मोहनपुरा और जो गोल भट्टे आए ये पूरा एरिया उसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी राजनीति की बात भी कर लेते हैं। हाल ही में भी प्रगट सिंह जी आए थे, वहाँ पर आप नदारत रहे उस मीटिंग में, लेकिन आप पहले ही उनसे मिल लिए थे, वो बात हमें पता लगी है, लेकिन वहाँ का यशपाल राणा जहाँ मौजूद होंगे वहाँ आप नहीं मौजूद होंगे? राणा जी और मेरे अंदर ये नहीं है कि वो जहाँ रहेंगे वहाँ मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन खत्म हुए, उसमें यशपाल राणा जी और मेरा जो है कई बार मंच पर एक साथ रहना हुआ, और कई जगह हम वोट भी मांगते हुए नजर आए, जिसमें आपने भी जो है उसे शूट किया। प्रगट सिंह जी से मिलने के बाद, क्योंकि मेरा कार्यक्रम जो है ऑलरेडी अगले दिन का जो है नैनीताल लगा हुआ था, मुझे नैनीताल निकलना था, और आप देख सकते हैं कि मैं नैनीताल सुबह 9 बजे से लेके जो वहाँ का हमारा कमिश्नर कुमाऊं को घेरने का कार्यक्रम था यशपाल राय जी का, उस पर जो किया है सर, अगर टिकट उसे मिलेगा और जीतेगा वो जिसकी दुकान में सौदा, टैक्स किस ओर जा रहा है सर? देखिए, यशपाल राणा जी ने जो ये वाली बात कही है कि मतलब जिस पर सौदा होगा उसका वो होगा, वो वही जानते होंगे कि उसका मीनिंग क्या था, क्योंकि इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़वाना दोनों अलग अलग चीज़ें। जीत के आता है उसकी वाह होती है, चाहे वो एक वोट से जीते चाहे एक लाख वोट से जीते। तो यशपाल राणा जी इसको सही ढंग से बता सकते हैं उन्होंने किस उस पर कहा, या खोल के बताएं कि उन्होंने इस प्रपोक्ष में इतना कह रहा है कि जो भी कह रहे हैं सर, जो राजनीति कर रहे हैं उनके पल्ले में 2 वोट तो है नहीं, राजनीति करने पे और टिकट मारने मांगने पे लगे, उसको लेकर कह रहे हैं? ठीक है, मेरा तो सीधा सा एक सिद्धांत है, टिकट हर उस कार्यकर्ता को मांगना चाहिए जो जनता के बीच में होता है, चाहे उस पर एक वोट है या नहीं है। मैं इस बात पे जाता ही नहीं कभी भी, ना मैं इस बात को समझता, अगर इस बात को समझते हुए होते तो आज विधायक जो है प्रदीप बत्रा शायद 2022 में ना होते जी। लेकिन वो 2022 में भी विधायक हैं, इसका मतलब है उनकी दुकान में सौदा जो है वो सबसे बहुत बड़ा सौदा है जी। तो इस बात पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। उन्होंने तो एक बात और भी कही है कि मेरे लड़के का मंडा थोड़ा ही है जो मैं सबको घर घर से बुलाऊंगा। आप भी उस टाइम नाराज हुए थे कि भाई बुलाए नहीं है, ना पूछा है कि भाई सचिन गुप्ता कहाँ है चुनाव में, ऐसा रहा है सर? देखिए, बात ऐसी है, अब वो उस बात का भी प्रपोज़ वही निकाल के देंगे कि उन्होंने किसे बुलाया किसे नहीं बुलाया। रही बात मेरी, मेरे पास से जिस दिन चाहें उस दिन आप ले सकते हैं, इतने सारे बयान उनके पक्ष में हैं, इतनी सारी जो लोगों को हमने ज्वाइनिंग कराई वो आप लोगों ने भी कवर करी हुए है, तो ऐसा नहीं है।
कि हर व्यक्ति अपने तरीके से अपने काम करता है, अपने पार्टी के लिए काम करता है। हमने अपनी पार्टी का काम किया, चाहे वो रुड़की शहर के अंदर हमने चार दिन हो तब किया हो, चाहे हम श्रीनगर के एज ए प्रभारी के तौर पर थे हमने वहाँ किया। लेकिन इस बात का बार बार उसको लाना और करना वो पार्टी को देखना चाहिए कि उनके जो हम कार्यकर्ता हैं कि हम क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस कैसे जीतेगी अगर ऐसे ही लड़ाई चलती रही, ऐसे ही कटाक्ष चलते रहे तो रुड़की में कांग्रेस कैसे जीतेगी फिर? जैसे अगर आपको टिकट मिल गया तो यशपाल राणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अगर यशपाल राणा को मिल गया तो निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे, तो कैसे होगा ऐसे? देखिए, पहले तो टिकट किसे मिलेगा किसे नहीं, ये गर्व की बात है भविष्य की कि किसके पास आएगा किसके पास नहीं आएगा। और दूसरी बात, यशपाल राणा जी इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो यशपाल राणा खुद जानते हैं कि वो लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ठीक है ना। और जब वो लड़ेंगे तो इसका फैसला, सही बात है हमारे भाई भी कह रहे हैं कि इसका फैसला जो है वो जनता के हाथ में है। जनता पहले कई बार वर्डिक्ट दे चुकी, जिसे जिताना था उसे जिता चुकी, जिन्हें हराना था उन्हें हरा चुकी। अब आगे देखते हैं, नया चेहरा कोई आएगा तो वो देखेगा और पुराने ही चेहरा चलेगा तो उसको भी देखेंगे। कांग्रेस को टिकट बदल देना चाहिए, कांग्रेस के टिकट के ऊपर कांग्रेस पार्टी हमारी जो है वो करता धरता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश प्रभारी है, तो उनको जो जायज लगेगा, जिसको लगेगा कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है जीत के जा सकता है, चाहे वो पुराना ही चेहरा हो, अगर उन्हें लगेगा पुराने चेहरे में इतना दमखम अब भी बचा है कि वो जीत के जा सकता है कोई, तो वो उसको देगी, तो हम पार्टी के साथ हैं। ठीक है, सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो इसका उद्घाटन किया गया है हॉल का, उसको लेकर? सबसे पहले तो मैं अरविंद जी को बधाई दूंगा जिनके प्रयासों से मंदिर का ये हॉल निर्मित हुआ है। काफ़ी टाइम से हमें कहते लेकिन हमने पहले हम थोड़ी सेटिंग कर लें जिससे कोई दिक्कत ना है कैंट बोर्ड वगैरह से, तो हमने उनसे बातचीत करी कि भाई पब्लिक को एक ऐसा स्थान चाहिए किसी को कीर्तन कराना है, बर्थडे करना है, हालांकि कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। तो मंदिर के पास ज़मीन थी लेकिन फंड नहीं था, तो अरविंद जी ने कहा कि हम इस काम करवाएंगे, आप अपनी सेटिंग कर लो। तो हमने यहाँ कैंट बोर्ड से बातचीत करके उसके प्लस में भंडारे का आयोजन भी किया गया। हाँ, आज भंडारे का आयोजन किया गया, ये हॉल कम्प्लीट हो गया है। अब मान लो किसी गरीब लड़की की शादी है या कोई किसी के यहाँ डेथ हो गई, उसके यहाँ प्रोग्राम करना है, तो उसके लिए छोटा चाहिए था, हमें स्कूलों की छुट्टी करवानी पड़ती थी मारवाड़ी स्कूल की, अब वो शायद नहीं करानी पड़ेगी। अब ये छोटे मोटे फंक्शन इसी मंदिर के परिसर में हो जाएंगे। नज़र रखते हैं सब पर, उसको लेकर क्या कहेंगे जो हॉल का निर्माण आज हुआ है? ये है, इनके बहुत समाजी और हार्दिक अभिनंदन है इन लोगों का जो इतना बड़ा ये हॉल बनाया है। जो हमारी जनता यहाँ भक्त परेशान होती थी, वो परेशान नहीं हटेगी। सामने जो यहाँ आए जाने में दिक्कत होती सब हॉल होगी। जो यहाँ हमारे कैंटोनमेंट के CEO साहब हैं उनका भी बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो उन्होंने इतना बड़ा ये हॉल बनवाने की और यहाँ पे हमारी सुविधा करने की बहुत सहयोग करा। मगर यह है कि आने वाले टाइम में हम तो ये चाहेंगे जितनी जन भक्त आ रहे हैं इससे डबल भक्त आए, हमारे पे आते हैं कि भक्तों को सुविधाएँ मिले। सबसे ज़्यादा यहाँ भक्त आते हैं, भक्त अपना मनोकामना पूरी करते हैं, उनकी मनोकामना पड़ती हैं। अभी इन्होंने काम कराया, कभी और ऐसा इससे बड़ा भक्त आ सके, कोई और भी काम करा सके, यहाँ सब भक्तों का मनोकामना पूरी होती है। वो अपना भक्त अपना ये दानपुर में आ रहे हैं, दान की जड़ हमेशा हरी रहती है जिससे भगवान उनको और वृद्धि दे सकता है।